अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी, जिन्होंने कैरियर में कई कामयाबी हासिल की, दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर बने, सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते, बार्सिलोना को 35 मैचेस टाइटल जितवाए, लेकिन कभी नेशनल टीम अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप ना जितवा सके। मेसी की टीम उनकी मौजूदगी में दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। अगर वो फ्रांस को हराने में कामयाब हुए तो उनका वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। फुटबॉल में अर्जेंटीना ने यूं तो कई बड़े नाम पैदा किए, जिसमें डियागो मैराडोना नुमाया है, सियोर ज़ेनिटी, गैब्रियल बटिस्टा भी अर्जेंटीना के नुमाया फुटबॉलर रहे, लेकिन लियोन मेसी शोहरत और दौलत कमाने के एतबार से उन सबको पीछे छोड़ दिया है। रोनाल्डो और मेसी की कहानी एक दूसरे से बहुत करीब है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह मेसी भी एक गरीब घर में पैदा हुए। उनकी वालदा फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी। लियोन मेसी के ख़ानदान में उनके दो भाई और एक बहन है। लियोन मेसी की अहलिया का नाम एंटोनीला लुकाजो है, जिससे उनकी शादी 30 जून 2017 को हुई थी। उनके इस वक्त दो बेटे एक बेटी हैं। मेसी के कैरियर के बेशतर हिस्से में एक स्पेनिश क्लब बार्सिलोना की नुमाइंदगी की। उन्होंने 2021 में क्लब को खैर बात कह दिया। उन्होंने क्लब के लिए 35 ट्रॉफियां जीतीं। मेसी ने क्लब और मुल्क के लिए 750 से ज़्यादा कैरियर गोल किए। वो 2011 और 2012 में दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा बाअसर अफराद में शामिल रहे। लियोन मेसी सबसे ज़्यादा 7 बार बैलन डी और अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं। पैसा कमाने में उन्होंने रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया। उनके कुल असासाजात 620 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर बन चुके हैं। लियोन मेसी ने सिर्फ 5 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में फुटबॉल के बहुत से हुनर सीख लिए थे, जिसकी वजह से लियोन मेसी इतने बड़े खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो की तरह मेसी के माली मामला 2013 में मुश्तबा टैक्स चोरी के अल्जाम में ज़ेर तफ्तीश आए। पनामा पेपर डाटा लीक्स में मेसी का नाम भी था। 6 जुलाई 2016 को मेसी और उनके वालिद दोनों टैक्स फ्रॉड के मुजरिम पाए गए। उन्हें बिलतरतीब 21 माह कैद की सुनाह सुनाई गई। बिलाशुबा रोनाल्डो और लियोनेल मेसी गुज़िश्ता 2 दहाइयों के बेहतरीन फुटबॉलर हैं, जिसका मुवादना उनके रिटायरमेंट के बाद भी होता रहेगा। रोनाल्डो के पास अब वर्ल्ड कप जीतने का मौका नहीं, लेकिन अर्जेंटीना के मेसी कतर वर्ल्ड कप में फ्रांस को हराकर अपना ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं।